नमस्कार, म प्रज्वल छेत्री। खोजखबरको न्युज भ्युजमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। दार्जिलिङ पहाड अनि तराई डुवर्सका मानिसहरूको राजनैतिक स्थायी समाधानको लागि केन्द्र सरकारले सितम्बरको पहिलो हप्तामा त्रिपक्षीय वार्ता बोलाउन सक्छ। यस क्षेत्रमा बसोबासो गर्ने गोर्खा लगायत अन्य समुदायको लागि यो खुसीको कुरा हो। हुन त यसअघि पनि केन्द्र सरकारले त्रिपक्षीय वार्ता बोलाएकै हो। कहिले त्रिपक्षीय वार्तामा राज्य सरकारले उपस्थिति नदिने त कहिले गोर्खाल्यान्डको नाममा बोलाइएको वार्ता राज्य भाजपाको दबावमा केन्द्रले रातारात चिठी नै परिवर्तन गरेर जिटिएको निम्ति वार्ता भएको घटना नौलो होइन। तर यसबीच आज भने दार्जिलिङका सांसद राजु विष्टले दावी गरेका छन्, सितम्बरको सुरुमा केन्द्रीय गृह मन्त्रालयले स्थायी समाधानको निम्ति त्रिपक्षीय वार्ता बोलाउन सक्छ। सांसदको कार्यप्रणालीको जवाब माग्दै गोर्खालीगका महासचिव एसपी शर्मा दार्जिलिङमा आमरण अनसन बसेको आज छ दिन भइसकेको छ। एसपी शर्माको अनसनलाई केन्द्र गरेर दार्जिलिङ पहाडका अन्य दलहरू एकत्रित बनेर भाजपा अनि भाजपासित गठबन्धित दलहरूलाई दबाबमा पार्ने रणनीति बनाइरहेको बेला आज दार्जिलिङका सांसद राजु विष्टबाट यो दावी गरिएको छ कि सितम्बरको सुरुको हप्तामा राज्य, केन्द्र अनि गोर्खा प्रतिनिधिहरूमाझ यहाँको स्थायी राजनैतिक समाधानबारे त्रिपक्षीय वार्ता हुन सक्छ। भारतीय जनता पार्टीले आफ्नो चुनावी मेनिफेस्टोमा गोर्खा समुदायका छुटेका 11 उपजातिलाई जनजातिको दर्जा दिने अनि दार्जिलिङ हिल्स, सिलिगुडी, तराई र डुवर्स क्षेत्रको स्थायी राजनैतिक समाधान खोज्ने दिशामा काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। तर आजसम्म यस दिशामा ठोस पहल हुन नसकिरहेको कारण भाजपामाथि चारैतिरबाट दबाव बन्दै गरेको स्थिति छ। यस्तो अवस्थामा आज सांसद राजु विष्टको नेतृत्वमा 5 टोलीले केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहसित भेट गरेको छ। यस टोलीमा सांसद राजु विष्ट, पूर्व सांसद एवं क्रामकपाका अध्यक्ष आरबी राई, भाजपा दार्जिलिङ जिल्ला कमिटीका अध्यक्ष कल्याण देवान, दार्जिलिङका विधायक निरज जिम्बा अनि खरसाङका विधायक बिपी बजगाई उपस्थित थिए। सांसद राजु विष्ट अनुसार यस टोलीले केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहलाई स्थायी राजनैतिक समाधानको लागि आधिकारिक वार्ता सुरु गर्न जोड दिएको थियो। यस टोलीको कुरालाई गृह मन्त्रालयले मानिलिएको छ। आगामी 12 अगस्तको छेउछाउतिर केन्द्रीय गृह मन्त्रालयले त्रिपक्षीय वार्ताका लागि गोर्खा प्रतिनिधिहरू साथै राज्य अनि केन्द्र सरकारलाई आधिकारिक पत्र पठाउँछ। यसलाई गोर्खाहरूको लागि ठुलो उपलब्धि भन्दै राजु विष्टले सुनाएको यो खुसीको खबर पहिला सुन्नु। देखिए, मैं और हमारे आदरणीय आरबी राई सर जी और मोनगी सिंह जी और हमारे दार्जिलिंग भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष कल्याण देवान जी और साथ ही हमारे विधायक नीरज जिम्मा जी और जो है बीपी बजगाई जी खरसंग से जो हमारे विधायक है, हम सब लोग आज गृह मंत्री जी से अभी मिलके ही आ रहे हैं। इतना आपका फोन आ गया और हम आपके साथ बातचीत हो रही है। पहले तो मैं ये बता दूं, कुछ हमारे अलायंस पार्टी के साथी लोग आज इस मीटिंग में भाग नहीं ले पाए और कुछ लोग और भी जो है हमने चयन किया था इस मीटिंग के लिए करके, लेकिन आप जानते हैं पार्लियामेंट चल रहा है और हमारी भी मुलाकात जो है पार्लियामेंट हाउस में ही हुई। एक तो पार्लियामेंट में जो है आजकल एंट्री सबकी बंद कर रखी है, यानी अदर देन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हार्डली किसी को अलाउ करते। दूसरा, गृह मंत्रालय की तरफ से भी ये सूचना थी कि 4-5 लोग ही मिले और हम 5 लोग और मेरे साथ मिला करके हम 6 लोग, मुझे लगता है पिछले 2 के पूरे कार्यकाल में इतनी अच्छी मीटिंग और इतनी संतोषजनक और फ्रूटफुल मीटिंग जो है गृह मंत्री के साथ, मैं ऐसा दावे के साथ कह सकता हूँ, ये पहली बार हुई है। आज उनके पास बहुत समय भी था और वो बहुत अच्छे मतलब एटमॉस्फेयर के अंदर में मीटिंग हुई। और सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से तमाम 1.5 करोड़ भारतीय गोरखा, दार्जिलिंग, तराई, डुवर्स की जनता को मैं एक ये खुशखबरी आपके माध्यम से रखना चाहूँगा कि स्थायी राजनीतिक समाधान को लेकर के खुल के आज गृह मंत्री जी के साथ बात हुई। हम सब ने ये विषय रखा, भले ही मैं सांसद पिछले 2 से हूँ, लेकिन दार्जिलिंग, तराई और डुवर्स की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को 2009 से चुना है और करीब 12 आज पूरे हुए हैं और हमारी क्षेत्र की जनता
बड़े अपेक्षा के साथ भारतीय जनता पार्टी गृह मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी को देखती है। सो हमारे सब विधायक और जितने भी प्रतिनिधि टोली थे सब ने एक आवाज में विषय रखा कि अब समय की मांग है स्थायी राजनीतिक समाधान के लिए गृह मंत्रालय ऑफिशियल टॉक स्टार्ट करे ऑन रिकॉर्ड कि गृह मंत्रालय के तरफ से ऑफिशियल लेटर जाए और वो मीटिंग हो। और यहां तक कि हमारे एक विधायक ने ये भी कहा कि हम चाहते हैं कि उसकी पीआईबी से लेकर के सब चीजें ये सब चीजें सार्वजनिक हो। सो मैं आपको ये बताते हुए काफी खुशी हो रही है गृह मंत्री जी ने आज हम सबको ये आश्वासन दिया है कि पिछले मतलब अगले हफ्ते आज हो गया तारीख 6 उन्होंने कहा है 12 तारीख के आसपास गृह मंत्रालय की तरफ से एक ऑफिशियल चिट्ठी इश्यू होगा और जितने भी हमारे क्षेत्र के और जो हमारे गोरखाओं के जो प्रतिनिधि हैं जो हमारे इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और हमारे विधायक हैं उनको गृह मंत्रालय बातचीत के लिए ट्राइपार्टाइट टॉक के लिए उनको निमंत्रण देगा, स्टेट को भी निमंत्रण देगा, केंद्र सरकार भी रहेगी और सितंबर के पहले सप्ताह से ट्राइपार्टाइट टॉक ऑफिशियली स्टार्ट होगा। मुझे लगता है पिछले 2 साल के लगातार प्रयास से हम आज इस स्थिति तक पहुंचे हैं और गृह मंत्रालय भी मुझे लगता है मन बना के बैठा हुआ था क्योंकि गृह मंत्री जी स्वयं दार्जिलिंग इस बार के चुनाव में आए थे, उन्होंने मन से घोषणा भी किया था गोरखाओं के साथ हम खड़े हैं और गोरखाओं के साथ न्याय होगा और गोरखाओं से जुड़े हुए स्थायी राजनीतिक का समाधान भी हम करेंगे। सो मुझे लगता है आज उन्होंने बहुत बड़ी बात ये सिर्फ मेरे कान में नहीं बोली, ऑफिशियली सबके साथ ये विषय रखा है कि आप तैयारी कर लीजिएगा 12 तारीख के आसपास जो है गृह मंत्रालय की तरफ से पत्राचार होगा और सितंबर के पहले पहले सप्ताह के अंदर में वार्ता शुरू हो जाएगी। सो मुझे लगता है हम सबकी आज की इस मीटिंग की बहुत बड़ी उपलब्धि थी। यो वार्ता कुन स्तरको वार्ता हुन्छ यो स्पष्ट छैन, तर यस वार्तामा सांसद विधायक अनि गोर्खा प्रतिनिधिहरूलाई बोलाइने भनेर विष्टले जुन कुरा गरिरहेका छन् त्यसले यो वार्ता कतै राजनैतिक वार्ता नै हुन सक्छ कि भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। केन्द्र सरकारले कमसेकम वार्ता बोलाउने तय गर्यो यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। दार्जिलिङ पहाडमा जिटिए व्यवस्था लगभग असफल भएपछि अलग राज्य गोर्खाल्यान्डको मागमा आन्दोलित गोर्खाहरूले राज्य सरकारको विरुद्ध भाजपालाई भोट दिएर 3 पल्टसम्म सांसद जिताएर पठाइसकेको छ। यसपालि त झनै 2 जना विधायक पनि जिताएको छ, तर पनि केन्द्र सरकारले अहिलेसम्म आफ्नो प्रतिबद्धता पूरा नगरेको कारण भाजपासित भरोसा उड्दै गरेको अवस्थाबीच केन्द्र सरकारले त्रिपक्षीय वार्ताको लागि बाटो खोल्नु महत्त्वपूर्ण कुरा हो। राजु विष्टको दावीलाई मान्ने हो भने केन्द्र सरकार पनि यहाँको स्थायी राजनीतिक समाधान गर्न चाहन्छ, यसैले केन्द्रले यसको आधिकारिक प्रक्रिया सुरु गरिरहेको छ। राजु विष्टका अनुसार केन्द्र सरकारले वार्ता बोलाउने त स्पष्ट गरेको छ, अब केन्द्रले वार्ता बोलाउने भएपछि यसलाई लिएर केही अन्यलताहरू केही सवालहरू उठ्छ जो बहस गर्न नितान्त जरुरी छ। केन्द्र सरकारले वार्ता त बोलाउने भयो तर राज्य सरकारले प्रतिनिधि पठाएन भने के हुन्छ, किनभने यसअघि पनि राज्यले प्रतिनिधि नपठाएको घटना नयाँ होइन, अथवा यो वार्ता कुन स्तरको हुन्छ, सचिव स्तरको कि राजनैतिक स्तरको? केन्द्रले वार्ताको लागि दार्जिलिङका सांसद विधायक अनि भाजपाको गठबन्धनमा भएका दलहरूलाई मात्रै बोलाउँछ कि अन्य स्टेक होल्डरहरूलाई पनि बोलाउँछ? दार्जिलिङ पहाड अनि तराई डुवर्सको स्थायी राजनैतिक समाधान केन्द्रले जे सोचेको छ त्यसै विषयमाथि नै वार्ता केन्द्रित हुन्छ कि हाम्रा प्रतिनिधिहरूले हाम्रो स्थायी राजनैतिक समाधान यस्तो हुनुपर्छ भनेर दावी पनि गर्छन्? भारतीय जनता पार्टीले स्थायी राजनैतिक समाधान के हो त्यो भनेको छैन। गोरामुङले 6 अनुसूची भन्दा मुनिको व्यवस्था हुनु हुँदैन भनिरहेको छ। भोट माग्दा स्थायी राजनैतिक समाधान भनेको गोर्खाल्यान्ड नै हो भनेर महाकाल बाबाको कसम खाएको कारण गोर्खाहरूले बुझेको स्थायी राजनैतिक समाधान भनेको बङ्गालदेखि अलग छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्ड नै हो, तर भाजपाकै विधायक बिपी बजगाईले उत्तर बङ्गाल राज्य नै पिपिएस हो भन्ने किसिमको बयान दिएकोले साँच्ची नै उत्तर बङ्गाल राज्य नै केन्द्रले सोचेको पिपिएस हो त भन्ने प्रश्न पनि उठ्छ, अथवा भाजपाले उत्तर बङ्गाल राज्यलाई नै पिपिएस सोचेको खण्डमा के उत्तर बङ्गाल राज्यले गोर्खाहरूको स्थायी राजनैतिक समाधान हुन्छ?
कि उत्तर बंगाल राज्यले गोर्खाहरूको चिनारी अस्तित्व र अस्मिताको सवाललाई सम्बोधन गर्न सक्छ भन्ने प्रश्न पनि उठ्नु जायज छ। वार्तामा दोहोरो गरी हाम्रो मुद्दालाई सम्बोधन गर्न सक्ने किसिमका व्यक्तिहरू स्टेक होल्डरहरूलाई पनि समावेश गरिन्छ कि भाजपाका गठबन्धित दलहरूलाई मात्रै भाजपाका गठबन्धित दलहरूलाई मात्रै समावेश गर्दा के साँच्चै नै गोर्खाको मुद्दा ठिकसित सम्बोधन हुन सक्छ? वार्तामा जाने टोलीले स्थायी राजनीतिक समाधानको नाममा अलग अलग दलीय मुद्दाहरू राख्ने हुन् कि कुन मुद्दालाई साझा मुद्दाको रूपमा उठान गर्ने हुन्, त्यो पनि महत्त्वपूर्ण विषय छ। केन्द्रले अब वार्ता बोलाउने भएपछि स्थायी राजनैतिक समाधानको नाममा फेरि पनि जिटिए जस्तो अर्को व्यवस्था थोप्न नदिन अनि साँचो अर्थमा दार्जिलिङ तराई डुवर्सको स्थायी राजनीतिक समाधान चाहनु हो भने यसबारेमा व्यापक बहस, तर्क, चर्चा, परिचर्चा गर्न अति आवश्यक छ। केन्द्र सरकारले यो वार्ता बोलाउने तय गरिसकेपछि अब यसले जन्माउने प्रतिक्रिया, बहस, चर्चा, परिचर्चा आदिलाई लिएर हामी आगामी दिनमा पनि न्युज भ्युजमा उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मको निम्ति मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।